जर्दा व्यवसायी मृतक गोविंद के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे आप सुप्रीमो पप्पू यादव, पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसे। आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जर्दा व्यवसाय मृतक गोविंद डोलिया के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव ने मृतक गोविंद के बड़े भाई से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली, साथ ही पूरे परिवार को सांत्वना दी। पप्पू यादव ने इस घटना पर पुलिस प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसते हुए कहा कि दिन दहाड़े व्यापारियों की सरेआम हत्या कर दी जाती है और पुलिस मुखदर्शक बनी रहती है। यह पहली घटना नहीं है, पुलिस सिर्फ शराब पकड़ रही है और अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अंतिम घटना या कोई अंतिम मौत या कोई अंतिम लाश का कोई अंत है? लगता है कि मैं पहला दिन ये शुरुआत ही हुई। हर दिन घटना, हर दिन मौत, डरा हुआ समाज जो जिनकी भूमिका समाज के निर्माण में, जिले के निर्माण में सबसे ज्यादा डरा हुआ इस प्रदेश में व्यापारी भाई। नीचे करने अपराध और माफियाओं से ही नहीं, व्यवस्था से, सरकार के तौर तरीके से कोरोना आवे तब व्यापारी डर जाए, GST को लेके व्यापारी डर जाए, नोटबंदी को लेके व्यापारी डर जाए। समाज में कोई असर पड़ता है तो व्यापार पर सीधा असर पड़ता है। जिसकी भूमिका आज व्यापार ही एक ऐसा समाज है, कोई भी वर्ग व्यापार में काम करता हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म और मजहब के लोग, वह समाज की मजबूत भूमिका की एक मजबूत नींव है। और हम यदि उसी के इकोनॉमी को और उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो आप दुनिया में विश्व निर्माण और विश्व गुरु कहां से बनेंगे?